हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, जिसकी खुशी सारे देश में मनाई जा रही है और अम्बाला में भी इसका पूरा जश्न मनाया जाएगा। दरअसल मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसको लेकर आज दिल्ली सहित पूरे देश के भाजपा कार्यालयों में जश्न की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि आतिशबाजी के अलावा एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी जिस पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिखाया जाएगा। ये आज बहुत ही शुभ दिन है कि नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पिछली दो टर्म में हिंदुस्तान को बहुत आगे बढ़ाया है, गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत किया है और आगे का भी उनका विजन है, उनकी सोच है कि आगे क्या करना है। तो अच्छी बात है कि तीसरी बार फिर वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि खालस भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन हम पहले भी एनडीए की सरकार में रह चुके हैं, हमें अनुभव है कि एनडीए की सरकार कैसे चलानी है, सारों की सहमति से योजनाएं चलाई जाएंगी। हाँ नहीं, वो हर शहर में इसकी खुशी मनाई जा रही है। अम्बाला छावनी में भी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने बहुत अच्छी सेलिब्रेशन होगी, उसी वक्त जब मोदी जी शपथ ले रहे होंगे। एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है जहाँ पर साथ साथ लोग देखेंगे भी और साथ साथ अपनी खुशी का इजहार भी करेंगे, पटाखे बजाकर, लड़ियां लगाकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी सरकार को समर्थन है, क्या वो साथ निभाएंगे के सवाल के जवाब में अनिल विज ने आश्वस्त होते हुए कहा कि नीतीश का पहले भी साथ रहा है और मोदी जी को सबको साथ लेकर चलना आता है। ऐसा नहीं है, नीतीश पहले भी हमारे साथ रहा हुआ है और मोदी जी को सबको साथ लेकर चलना आता है। मैंने आपको बताया ना कि ये सब बातें बातचीत से उनको हल करके सहमति बनाकर ही आगे बढ़ेगी सरकार। तो वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कई बार सरकारें एक ही दिन चलती है। इस पर अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा है कि ममता बनर्जी खुद बार बार गिर जाती है, पिछले कुछ चुनाव में भी गिरी थी, इस चुनाव में भी गिरी थी, इसीलिए उनको सिर्फ गिरने के ही सपने आते रहते हैं। वही विज ने कहा कि सहमति से सरकार हल निकाल कर आगे बढ़ेगी। दरअसल देश भर में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण को लेकर खुशी का माहौल है और उसी कड़ी में अम्बाला में भी जश्न का माहौल है। अब ममता बनर्जी खुद गिर जाती है बार बार, पिछले चुनाव में भी गिरी थी, इस चुनाव में भी गिरी थी, तो उनको तो हर वक्त गिरने के ही सपने आते रहते हैं। अम्बाला से ब्यूरो रिपोर्ट।